आप सभी का स्वागत है हमारे बॉलीवुड पैसेंजर में। आज हम बात करेंगे 22 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर हंगामा करने वाली एक्शन स्टार सनी देओल की फिल्म गद्दर फिर से होने जा रही है रिलीज। जानिए इसके पीछे की सच्चाई इस वीडियो में। 22 साल पहले आई सनी देओल की फिल्म गद्दर एक प्रेम कथा ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हंगामा किया था। दर्शक आज भी इस फिल्म को देखने के लिए क्रेजी रहते हैं। इस फिल्म को लेकर एक खुश करने वाली खबर सामने आई है। सामने आ रही रिपोर्टर्स की माने तो इस फिल्म दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए मेकर्स ने प्लानिंग यह कहा जा रहा है कि यह फिल्म 9 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एक बार फिल्म गदर मचाने आ रही है। गदर, आपको बता दें कि फिल्म का सिक्वल गदर 2 इसी साल 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा हैं। रिपोर्टर्स में कहा जा रहा है कि फिल्म गदर की टीम इसकी विरासत का जश्न मनाना चाहती है। मेकर्स चाहते हैं कि दर्शक इसके सिक्वल को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट देखे ताकि वह 22 साल पुरानी फिल्म रिकॉल कर सके। कहा जा रहा है कि फिल्म गद्दर एक प्रेम कहानी को बेहतर साउंड सिस्टम के साथ 4K फॉर्मेट में बदल दिया गया है और इसे न केवल मल्टीप्लेक्स बल्कि सिंगल स्क्रीन पे भी रिलीज किया जाएगा। मास बेल्ट में सिंगल स्क्रीन में फिल्म ने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया था। बता दें कि 99 करोड़ की बजट से बनी फिल्म 133 करोड़ कमाई थी। फिल्म 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी। इसमें सनी के साथ अमीषा पटेल लीड रोल में थी। सनी देओल की फिल्म गद्दर 2 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पुष्टि पर आधारित है। इसमें सनी देओल के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा लीड रोल में है। जहां पहले भाग में सनी देओल का कैरेक्टर अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए पाकिस्तान जाता है, वहीं इस बार वह अपने बेटे को वापस लाने पाकिस्तान जाते हैं। यह रिपोर्ट सुनकर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते चलते वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।